ये देखो हम तीनों भी यहीं पे हैं अभी। वन वन दोस्तों, हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है इस नए ब्लॉग के साथ। तो आज हम फिर से घूमने के लिए जा रहे हैं एक दूसरे पार्क में। चलो आगे मैं आप लोगों को जब पार्क में पहुंचते हैं तो फिर आप लोगों को दिखाता हूँ उस पार्क का व्यू। वो पार्क बड़ा मस्त पार्क है, वो बहुत सारे कम्युनिटी के बीच में है और बड़ा अच्छा है। बीच में पानी वगैरह भी है बहुत से अच्छे से, ठीक है। तो देखने में बड़ा मस्त लगता है। और आज वहाँ पे अच्छा सा और देखने को मिलेगा एक और चीज़, यो लॉटरी, ठीक है। तो चलो फिर वहीं पहुँचने के बाद आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। लुसिया तो अब सो गई है देखो, और हम लोग जा रहे हैं। देखो वहाँ जाने के बाद उठती है कि नहीं, ये देखो। तो कोई नहीं, हम लोग इसके उठने का इंतज़ार करेंगे फिर चलेंगे। चलो भाई, फिर गाड़ी तो पार्क हो गया अब, ठीक है। यहाँ पास समय है तो अब इसका ट्रॉली निकाल रहे हैं। ट्रॉली निकल लिया ये, ठीक है। अब इसमें बैठ के जाएंगे, या तो फिर एक और है कमर में बांधने वाला, उसमें बैठा के ले जाएंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी थोड़ी देर में। हम लोग अब पहुंच गए हैं इस पार्क में। यहाँ पर देख सकते हैं तालाब जैसा है यहाँ पर, ठीक है। और पहले जो यहाँ पे जो है पत्ते झड़ गए हैं, इस पेड़ के जो पत्ते हैं अभी येलो येलो हो जाते हैं। वहाँ पर देख रहे हो कुछ पेड़ के पत्ते अभी येलो हैं ऐसे। यहाँ पर बड़ा मस्त लगता था लेकिन अभी तो लेट हो गए हम लोग, तो अब तो कुछ नहीं है पत्ते, तो इतना अच्छा दिख नहीं रहा है। अब देखो यहाँ पे बड़ा मस्त लग रहा है। पीछे जो है येलो ट्री है, ये वाला ट्री रेड हो गया है, ठीक है। अभी आगे और जाने वाले हैं पीछे की ओर। देखो इस पार्क को कहा जाता है ओल्ड समर प्लेस या यानमिंग पार्क। इसे बनाया गया था 1709 के आसपास, बट बाद में इसको कुछ आक्रमणकारियों द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया। देखो अभी कैसा दिख रहा है, टूटा फूटा है थोड़ा बहुत, है ना। तो चलिए जितना हो सके मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा, बट यहाँ जितना जो कुछ भी है वो सारा टूटा फूटा हुआ है। कोई नहीं, चलो आप लोग भी देख लीजिए और थोड़ा घूम लीजिए इस पार्क को। लुसिया ये बहुत छोटी है तो इसको घुमाने के लिए लाए, इसको तो कुछ नहीं पता अभी। तो कहीं नहीं, ऐसे घूमने के लिए आए हैं। ये देखो इनका यहाँ पर भी कुछ सिंबल है, तो इनको उन्होंने अच्छे से पैक करके रखा है कि ख़राब ना हो, यहाँ के इनके आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। देखो ये देखो यहाँ पर भी इसका कुछ है लेकिन सब टूटा फूटा है अभी। यहाँ से शायद अंदर ही अंदर वाटर वगैरह जाता था, ऐसा कुछ बना हुआ था शायद, ठीक है। तो इधर भी इसके कुछ अंश हैं, ये देखो। ये देखो इसको, ये हैप्पी है। चलो तो आज यहाँ पे लोग बहुत कम है क्योंकि आज जो है वर्किंग डेज है, तो हम लोग वर्किंग डेज में आए हैं, ठीक है। ये यहाँ पर देखो और भी है, इसके अंदर है। अगर तुम्हें वहाँ पे बीच में सेंटर में जाना है तो यहाँ पे अंदर जो है भूल भुलैया जैसा बना हुआ है, देख रहे हैं। लोग जो है चल रहे हैं अभी, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा तभी जा सकते हो। देखो भाई ये वाला जगह भी पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, ये यहीं पर है। तो यहाँ पे पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ था। बच्ची को बैठा दिया उसके गाड़ी में, देखो। तो इस पार्क में मेनली ऐसे बहुत सारे तालाब हैं, ये सबसे बड़ा तालाब है, ठीक है। उसके बाद और भी छोटे छोटे तालाब हैं, तो इसी से मिलकर बना है ये पार्क। देखो व्यू कितना बड़ा मस्त है अभी। यहाँ पर बड़ा मस्त लग रहा है प्यारा, देखो।
देखो बहुत पक्षी, ये आदमी जो इसको खिला रहे हैं। यहाँ पर देखो ये पक्षी ऐसे खड़े, वहाँ से हट नहीं रहे हैं। अभी ये पक्षी अभी एक पैर में खड़े हैं। देखो अब हम लोग ऐसे जगह में चल रहे हैं जहाँ पे अच्छा से रास्ता नहीं है, ठीक है। चलो कोई नहीं, इधर से ही चलते हैं। हम लोग सोच रहे हैं वापस चले जाएं, तो शॉर्टकट रास्ता अपना रहे हैं अभी, ठीक है। चलो देखते हैं इधर रास्ता है कि नहीं। जाएंगे, देखो आगे तो रास्ता नहीं है, कैसे ऊपर जाएंगे। तो हम लोग यहाँ से ऊपर तो आ गए, इधर तो इधर रास्ता ही नहीं है उधर जाने के लिए। हमें जाना है उस पार, उधर चलते हैं तो फिर शॉर्टकट है, ठीक है। चलो कोई नहीं, रास्ता ढूंढते हैं, रास्ता तो होना चाहिए इधर। चलो फिर भाई, अब हम लोग वापस हो रहे हैं, बच्ची भी सो गई है देखो, ठीक है। तो अब कार के पास जा रहे हैं, कार के पास पहुंचने के बाद इसको दूध पिलाना है, फिर उसके बाद घर की ओर निकलेंगे। चलो फिर भाई, हम लोग अब रास्ते में हैं, घर की ओर निकल रहे हैं। वैसे भूख भी लग रही है, आफ्टरनून में हम लोग खाए भी नहीं हैं, ठीक है। और गाड़ी में अभी पेट्रोल भी डलवाना है, देखते हैं क्या कुछ है। यहाँ का पेट्रोल का प्राइस करके बताता हूँ आप लोगों को क्या कुछ है। भाई ये मना है ओके, बच्ची भी सो गई है अभी, तो अभी चलते हैं। चलो चलो भैया, हम लोग पहुंच गए हैं पेट्रोल स्टेशन। तो ये हो गया, पेट्रोल तो भरवा लिया, अब निकल रहे हैं। तो फिर अभी हम लोगों ने वहां पे पता किया था पेट्रोल का क्या रेट है, तो 8.3 आरएमबी, मतलब ये पड़ जाता है आपका, समझो अगर इंडियन मनी में निकाले तो फिर ये 85 रुपए लीटर से ऊपर भी जाएगा, ऐसा है। मतलब 85 रुपए से ऊपर के आसपास है एक लीटर पेट्रोल का रेट। देखो भाई, अब यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक है यार, ट्रैफिक में फंस गए आप, तो पता नहीं कितना बजे पहुंचेंगे घर अब। गाइस फिर अभी हम लोग घर पहुंचे हैं, देखो ठीक है। तो बच्चे को दूध पिला दिया, वो बहुत भूखे थे। चलो दोस्तों, फिर आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय 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 दोस्तों।